सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू होम शेप। तो कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का हमारी होम शेप चैनल पे स्वागत है। सो गाइस, जैसे कि आज आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने जो हमारी नानी की स्टाइल की जो रेड चिली चटनी बनाई है, इसको आप पिज्ज़ा पे, बर्गर पे और घर में नॉर्मल यूज़ में भी यूज़ कर सकते हो गाइस। तो इस चटनी की जो रेसिपी है मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा गाइस। सो गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पे अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे रेड चिली ली हुई है। ये 250 ग्राम रेड चिली है। आपको जितनी चटनी बनानी है उस क्वांटिटी के हिसाब से जो आप रेड चिली को ले सकते हो, और उसी के हिसाब से आपको शुगर और लेमन भी लेना होता है। सो सबसे पहला काम हमारा ये है गाइस कि हम जो है रेड चिली को अच्छे से वॉश कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने इसको 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। इसको वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक अलग से कपड़े में रख देंगे और उस कपड़े से जो इसके अंदर का पूरा पानी जो है निकाल लेंगे गाइस। और इसका पूरा पानी निकालने के बाद हमें क्या करना है, इसकी जो डांडियां है गाइस, ग्रीन स्टिक्स जो ऊपर इसकी है, हरी डांडियां, उनको हमें निकाल लेना है। और उसके बाद का रेसिपी मैं आपको यहाँ पे भी बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप लोग अभी देख सकते हो, मैं जो हमारी लाल मिर्च को अच्छे से जो है क्लीन कर ले रहा हूँ। इसको अभी क्लीन कर लिया गया है गाइस। अब इसकी जो हरी डंडियाँ हैं, इनको हम पूरी हरी डंडियों को निकालते हैं। इसकी पूरी हरी डंडियों को निकालने के बाद मैं आपको अभी यहाँ पे मिलता हूँ गाइज। यहाँ पे जो है सारी लाल मिर्चियों की हमने हरी डंडियों को निकाल लिया है। यहाँ पे बस 2 ही लाल मिर्च बची है, उनकी भी हरी डंडियों को निकाल लेते हैं। और उसके बाद जो है लाल चटनी बनाने का रेसिपी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा गाइज। गाइज यहाँ पे जो मैंने सारी लाल मिर्चियों को अलग से निकाल लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, मीडियम फ्लेम पे जो है मेथी दाना जो होता है ना गाइज, उसको थोड़ी देर तक जो हमको भून के लेना है। जस्ट इसका लिटिल बिट जो है कलर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने इसको सिर्फ 30 सेकेंड के लिए भून के लिया है गाइज। उसके बाद मैं इसको अलग से निकाल लूँगा। हमारा उसके बाद हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप की, उसी पतीली के अंदर जो हमारे सारे लाल मिर्च जो रेड चिली हमने ली है उन सबको डाल लेना है और उसको जो हमें भून लेना है गाइज। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जो ऑयल का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने पूरी जो लाल मिर्च यहाँ पे डाली है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं है गाइस, 1 और 1.5 टीस्पून जो हम लोग यहाँ पे ऑयल लेंगे। और इसके बाद जो है गाइस हम इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पे इसको जो है लाल मिर्चों को कम से कम गाइस 5 मिनट तक मिक्स करना है। अगर स्मेल आने लगी तो मिक्स करने के बाद जो है गाइस इसको हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये ठंडा होना चाहिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने लाल मिर्चों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो गाइज यहाँ पे जो मैंने मिर्चियों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, इनको मिक्स करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये है, हम जो हमने जो मेथी दाना लिया था गाइज थोड़ा सा, और उसके अंदर जो है लाल मिर्चियों को ऐड कर लेंगे। और उसके बाद स्वाद अनुसार हमने नमक ऐड किया है। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून जो है नमक लिया है। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे गाइज। और इनको मिक्स करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है मेन इंपॉर्टेंट स्टेप ये चटनी बनाने के लिए, इसको जो हमें एक पूरी नाइट जो है ऐसे ही भिगोने के लिए, मैरिनेट होने के लिए रख देना है ढक के गाइज। यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर एक पतीला ढक दूंगा और उसके बाद पूरी रात जो ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा गाइस। सो गाइस हमारी लाल मिर्चियों को जो है एक पूरी नाइट जो है कंप्लीट हो चुकी है मैरिनेट होके। अब इसके बाद जो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो, मैंने 2 बाउल, छोटे बाउल से जो है मैंने 2 बाउल जो यहाँ पे शुगर लिए है 250 ग्राम जो है मिर्च के लिए। अगर आपने ज़्यादा मिर्च लिए तो आप शुगर की और लेमन की जो क्वांटिटी है उसको भी आप बढ़ा सकते हो गाइस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे अभी 3 लेमन जो है काट लिए है। ये हमारा लास्ट लेमन है, 4 लेमन। हम यहाँ पे टोटल 4 लेमन का जो है जूस लेंगे गाइस। अब इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को जो हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं गाइस। साथ ही साथ मिक्स करने से पहले जो गाइस हम जो है पूरे 4 लेमन का जूस जो है अलग से एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। और उसके बाद जो है गाइस हम शुगर को ऐड करेंगे और उसके बाद लेमन को ऐड करेंगे और इन सबको जो मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने 4 लेमन का जूस जो यहाँ पे निकाल लिया है। अब इसके बाद जो है मिर्च के अंदर हम इन दोनों इन्ग्रीडियंट्स को ऐड कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने एक छन्नी ली है, क्योंकि लेमन के बिंज इसके अंदर नहीं जाने चाहिए गाइस, वरना चटनी जो है कड़वी बन जाएगी। तो उसके बाद जो यहाँ पे छाननी के बाद हम लेमन जूस को जो मिर्चियों के अंदर ऐड कर रहे हैं। लेमन जूस को ऐड करने के बाद जो 2 बाउल हमने शुगर ली थी गाइस, उस शुगर को यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमने अच्छे से जो है लेमन जूस को अभी ऐड कर लिया है। अब जो यहाँ पे हम लोग शुगर ऐड करेंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने जो है पूरी शुगर जो यहाँ पे ऐड कर ली है गाइस। ये देखिए गाइस मिर्चियों के अंदर मैंने पूरी शुगर को ऐड कर लिया है। अब इन सबको जो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो इनको अच्छे से मिक्स कर लिया गया है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप, फाइनल स्टेप ये है गाइस, इसको हम मिक्सी में डालेंगे और अच्छे से पीस लेंगे। यहाँ पे आप लोग यहाँ से वीडियो को एंजॉय कीजिए, पूरा वीडियो देखिए कैसे मैं यहाँ पे इनको मिक्स करके हमारी चटनी को जो है रेडी कर लूँगा। और उसके बाद जो मैं आपको आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ।
सो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने मिर्ची और शुगर और लेमन का जो मिक्स है चटनी बनाने के लिए उसको मिक्सी में डाल के अच्छे से पीस लिया है गाइज। तो यहाँ पे जो है हमारा लाल मिर्च का जो है पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमारी नानी स्टाइल ओल्ड स्टाइल जो है ट्रेडिशनल चटनी जो है बन के रेडी हो चुकी है गाइज। सो ऐसे ही फूड की वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए गाइज। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी गाइज। ऐसे ही फूड की वीडियोज अगर आपको देखने हैं तो आप मुझे अलग अलग आइडियाज़ जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो गाइज। और ये चटनी जो है बहुत ही स्पाइसी और एकदम टेस्टी बनी गाइज। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।